अपनी कुछ कविताओं के साथ उपस्थित हूँ। पहली कविता है पतझड़ी पीले पत्ते। उन सूखे पीले पतझड़ी पत्तों ने कहा तो बहुत कुछ था, पर सुना नहीं तुमने। वह दिखते सूखे सूखे थे, पर भीतर घाव हरे थे। उन पीले सूखे पत्तों ने चरमराहट की कराह में सहा तो बहुत कुछ था, महसूस नहीं किया तुमने। कैसे बिछड़े थे कुछ फूल उनसे, कैसे झड़ गए थे कुछ कच्चे पक्के फल उनके। कुछ चुरा लिए गए छल से, कुछ तोड़ लिए गए बल से। कुछ पत्थरों की चोट सहते रहे, उन खड़कते लड़खड़ाते पत्तों की न जाने कितनी अनसुनी कहानियां थीं। बसंत और बहार की रस भरी स्मृतियां थीं, बगिया और माली की भीतर बंद निशानियां थीं। धैर्य की भाषा लिपि सीखी नहीं तुमने, उन सूखे पत्तों ने खाद मिट्टी में मिलते हुए चुपके से लिखा तो बहुत कुछ था, उन पांडुलिपियों को कभी पढ़ा ही नहीं तुमने। अगली कविता है मैंने देखा। तुमसे बात करते हुए मैंने देखा, झर रहे पीले पत्ते हरे हो रहे हैं। सजग हो रही है नसनाड़ी, मस्तिष्क सचेत ले रहा है करवटें। खून का रंग कुछ ज्यादा सुर्ख हो दौड़ पड़ा है खरगोश की तरह धमनियों में। तुम्हारी आवाज का पैराशूट पहनकर शब्द धीरे धीरे हिचकोले खाते उतर रहे हैं नखशिख में। देखती हूँ थम गया है खून खराबा, किसी मृत देह में हलचल हुई है अभी। कोई आंख रोते रोते चुप हुई है अभी। सुबह की अजान से आवाज आई है भीतर से, ये बातें जारी रहना चाहिए। अगली कविता है मेरा वक्त। मेरा वक्त तुम्हारे लिए, मेरा वक्त हमेशा ठहरता है। जैसे अनवरत चलायमान पृथ्वी ठहरी हुई है स्थिर। जब जब पुकारोगे अपने इतने करीब पाओगे, जैसे तुम्हारी ही एक हथेली कसकर पकड़ती हो तुम्हारी दूसरी हथेली। उसने कहा नदी हो, उसने कहा तुम नदी हो। नदी खिलखिलाकर बोली हाँ। लहराती बलखाती डूबती उफनाती पहाड़ों से उतरती नृत्यांगना हूँ। पृथ्वी आकाश नक्षत्रों के आरोह अवरोह में लयबद्ध स्वरमयी प्रिया हूँ। रोकना नहीं मैं ताल तलैया में ठहरती नहीं। अंतिम कविता है स्त्रियाँ। स्त्रियाँ प्रेम कविताएँ लिखती हैं। स्त्रियाँ प्रेम कविताएँ लिखती हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वह गली चौराहे मैसेंजर में हर जगह उपलब्ध हैं। स्त्रियाँ प्रेम कविताएँ लिखती हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वह गली चौराहे मैसेंजर में हर जगह उपलब्ध हैं। स्त्रियाँ माँ बहन बेटी मित्र हैं, यह तो सभी कहते हैं। स्त्रियाँ माँ बहन बेटी मित्र हैं, यह तो सभी समझते हैं। वह लिखती हैं मनुष्य भी समझी जाए। शुक्रिया।